मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम इकाई 7 वाणिज्य गणित पढ़ रहे थे बच्चों। अभी हम लोगों ने 7A जो है अभ्यास वो हल कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अनुलोम समानुपात क्या है और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन हम लोगों ने हल किए थे। 7B स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को पढ़ना है बच्चों प्रतिलोम समानुपात। किस प्रतिलोम समानुपात क्या है और उसके प्रश्नों को हमें कैसे हल करना है। तो बच्चों, जो जो हमारा व्यावहारिक जीवन है उसमें कई कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि जो है वो उसी अनुपात में घट जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई 5 मजदूर हैं, किसी मकान की सफ़ेदी अगर मान लीजिए कर रहे हैं तो 10 दिन में कर रहे हैं, तो 10 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर 5 मजदूर लगे हुए हैं तो सफ़ेदी करने में ज़्यादा समय लगेगा और 10 मजदूर लगे होंगे बच्चों तो सफ़ेदी करने में कम समय लगेगा ना। ये तो पता है आपको कि संख्या अगर मजदूरों की बढ़ा देंगे हम तो वो काम जल्दी हो जाएगा। तो इस ऐसे समानुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिलोम समानुपात बोलते हैं। इसे बच्चों उल्टा समानुपात भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम मजदूरों की संख्या को बढ़ाते हैं तो उसी अनुपात में दिनों की संख्या क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो लिखने का क्या तरीका होगा, जब 4 राशियां प्रतिलोम समानुपात में होती हैं तब अंत की 2 राशियों के अनुपात को उलट करके लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 8 श्रमिक हैं, एक एग्जाम्पल से समझिए, 8 श्रमिक हैं ठीक है, और किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 श्रमिक जो है 5 दिन में करते हैं ठीक है, और 4 श्रमिक जो है उसी काम को 10 दिन में करते हैं ठीक। तो 4 श्रमिक रहेंगे, श्रमिकों की संख्या कम हो गई तो क्या होगा, दिनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। विपरीत अनुपात है ना बच्चों इसमें ठीक, जिसको कहा जाता है उल्टा अनुपात, समानुपात बोला जाता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा, जैसे हम लोग 8 और 4 लिखते थे ना ठीक, उसके बाद से क्या लिखते थे, यहाँ श्रमिक लिखते थे श्रमिक और यहाँ पर लिखते थे हम लोग दिन। तो यहाँ पर जब लिखा जाएगा तो 8 श्रमिक अगर हमने यहाँ 5 दिन और यहाँ पर 10 दिन लिखा है, तो जब हम इसमें लगाएंगे ऐसे निशान लगेगा, तीर का निशान उल्टा लगेगा, यानी 8:4 समानुपात का चिन्ह लगेगा बच्चों। ध्यान से समझिएगा ठीक है, 8:4 और समानुपात का जब चिन्ह लगा तो हम यहाँ पर इसके बाद 5:10 लिखते थे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर तीर का निशान हमने उल्टा लगाया है, यानी हमें लिखना है 10:5 ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यही इसका बेस है, यही इसका आधार है कि प्रतिलोम समानुपात में जो यहाँ पर निशान है तीर का वो ऊपर की तरफ रहेगा और इनको उलट करके लिखा जाएगा या विलोम के रूप में लिखा जाएगा। अंत की 2 राशियाँ, जो अंत में ये 2 राशियाँ लिखी जा रही है ना बच्चों, इनको क्या किया जाएगा, उलट करके लिखा जाएगा। समझ में आया आपको। इसी तरीके से सवालों को हल करना है हम लोगों को बच्चों। तो आइए बढ़ते हैं अब हमारी प्रश्नावली या अभ्यास 7B की ओर। पहला क्वेश्चन है 7B का, शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है, उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा। 12 किलोमीटर से चल रही है तो 20 मिनट में पहुंचती है, और उसे 20 मिनट की जगह 15 मिनट में पहुंचना है, तो किस चाल से उसको साइकिल चलाना होगा। आइए देखते हैं ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे बच्चों। बच्चों, जो चीज़ पूछा गया है प्रश्न में उसको सबसे पहले हम यक्स मान लेंगे। तो प्रश्न में पूछा गया है कि उसे 15 मिनट में पहुँचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा, तो सबसे पहले मानेंगे, माना 15 मिनट में पहुंचने के लिए उसे यक्स किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या चाल से, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाना होगा ठीक है। ये हमने मान लिया है, अब कुछ नहीं करना है, जैसे हमने किया जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसे लिखते जाना है। तो यहाँ पर समय दिया हुआ है,
और यहाँ पर चाल दी हुई है, ठीक है। समय किसमें दिया है? मिनट में। और जो चाल दी हुई है वो किलोमीटर प्रति, ये प्रति का निशान है, ये ऐसा टेढ़ा निशान होता है ना बच्चों, इसको प्रति लिखते हैं तो प्रति लिख भी सकते हैं या तो प्रति का निशान लगाकर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पर समय दिया हुआ है कि जब कितने किलोमीटर से चलती है, 12 किलोमीटर के जाल से चलती है, तो उसे 20 घंटे लगते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर बच्चों समय अगर हम यहाँ पे लिख लें, पहले जो चीज़ दिया वो लिखते, चाल यहाँ पे लिख देते हैं समय, ठीक है। समय यहाँ मिनट हो गया, मिनट में। तो चाल 12 किलोमीटर से चलती है तो उसे कितना समय लगता है बच्चों? 20 मिनट लगता है। और इसके बाद फिर पूछा गया है कि कितने किलोमीटर चाल से चलेगी कि उसे क्या कहते हैं 15 मिनट का समय लगे। तो अब इसको हल करने के लिए बताया गया है जिस तरीके से चर्चा की गई थी, ऐसे तीर का निशान लगाना है, अपोजिट रहेंगे दोनों, ठीक। तो इसका समानुपात का निशान कैसे बनेगा? तो इसका समानुपात बनेगा 12:20:15, यहाँ नीचे से चालू होगा, 15:20, ठीक है। समझ में आया बच्चों? 12:20 जो है, अब क्या हो जाएगा बच्चों? अंत पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यह हमें पता ही है, ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंत पदों का गुणनफल, अंत पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी ये जो लास्ट वाले पद हैं इनका गुणनफल। तो 12:20 बराबर हो जाएगा x×15, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12×20/15, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, x बराबर क्या जाएगा? 4×4 यानी 16। तो x बराबर हो गया हमारे पास में 16। अब 16x हमने क्या चीज़ माना है? 15 मिनट पहुंचने के लिए x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे उत्तर में? कि 15 मिनट में पहुंचने के लिए उसे 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा, ठीक है, या साइकिल चलाना होगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको प्रश्न हल करना है। आइए बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों 48 किलोमीटर की चाल से चल रहा है तो 10 घंटे में दूरी को तय कर ले रही है कार, ठीक है, और उसी दूरी को, यानी जो दूरी निश्चित है, और 8 घंटे में अगर हमें तय करना है, यानी समय क्या हो रहा है? घट रहा है, कम समय हो रहा है, तो इसका ये जो चाल है वो क्या होगी? वो बढ़ेगी। तो इसका मतलब है इसमें कौन सा नियम लगेगा, कौन सा समानुपात लगेगा बच्चों? प्रतिलोम समानुपात लगेगा। जैसे पहला प्रश्न किया था, सेम उसी तरीके से है ये दूसरा क्वेश्चन भी, थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, बाकी इसको आप करिएगा, होमवर्क है ये आपका। मान लीजिएगा कि माना कार की चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है? हमें चाल लिखना है, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद फिर यहाँ पर बगल में क्या लिखना है? समय लिखना है, ठीक। समय क्या है? घंटे में था। तो चाल यहाँ पर पहले क्या दी हुई है? 48 किलोमीटर की चाल दी हुई है, ठीक। तब कितना दूरी, कितना समय ले रहा? 10 मिनट। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने मान लिया कार की चाल x है, जो कि हमें ज्ञात करनी है, और कितनी दूरी है, कितना समय है इसमें? 8 घंटे का समय है। 8 घंटे में कितनी चाल से उसे चलना होगा उस दूरी को पूरा करने के लिए? बस इसमें बस कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें ये तीर का निशान लगाना है, ये ऊपर निशान लगाना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? 48 अनुपाते
यक्स समानुपाते, जब समानुपात का चिन्ह लगा, तीर का निशान ऊपर की तरफ है तो हमें नीचे से ऊपर लिखना है, 8 अनुपाते 10। तो क्या हो जाएगा, अंत पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। बस यानी 48 × 10 बराबर यक्स इंटू 8। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 48 × 10/8। इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में 1 स्वेटर पूरा करती है। यदि 6 दिन में स्वेटर पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे बुनना होगा। तो देखिए ये भी जो है प्रतिलोम समानुपात का होगा, ठीक है। तो 6 दिन में अगर कंप्लीट करना है, यानी दिनों की संख्या कम की गई है ना, तो उस घंटों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, है ना। तब ज़्यादा बुनाई करेगी तभी तो जल्दी पूरा होगा उसका स्वेटर। तो आइए देखते हैं इसमें प्रतिलोम समानुपात को किस तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा है उसे कितने घंटे बुनना होगा। तो माना सुनीता को जो चीज़ पूछी गई बच्चों, सबसे पहले उसे यक्स मानेंगे। तो माना सुनीता को प्रतिदिन यक्स घंटे बुनना होगा। जो चीज़ पूछा गया है प्रश्न में उसे यक्स मानेंगे सबसे पहले। बिल्कुल सारे प्रश्नों में यही करना है बच्चों। फिर जो चीज़ दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, घंटा दिया है और दिन दिए, कितने दिन में बुनाई करती है। तो घंटे पहले लिख लेंगे हम लोग और यहाँ पर दिन लिख देंगे कि कितने दिन में बुनती हैं। तो घंटे जो है इसमें दिया है 4 घंटे अगर बुनती है तो 8 दिन में स्वेटर को पूरा करती है। फिर हमने पूछा है उसमें प्रश्न में पूछा गया कितने घंटे बुनेगी कि वो स्वेटर 6 दिन में पूरा हो जाए। बच्चों प्रश्न में ही दिया हुआ है ये सब चीज़ें, ठीक। तो इसके लिए ये 4 घंटे हो गया। तो यहाँ सबसे पहले तो नीचे का निशान लगेगा और यहाँ पर विपरीत निशान लग जाएगा, कुछ नहीं करना है। 4 अनुपाते यक्स समानुपाते, यहाँ ऐसे आना है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना है, फिर उसके बाद में नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो 6 अनुपाते यक्स, ठीक, 4 अनुपाते यक्स समानुपाते 6 अनुपाते यक्स। तो अंत पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल है, ये तो आपको पता ही हो गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 4 × 8 = 6 × x। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 × 8/6 कट जाएगा, 2 से 2 × 4 और 2 × 3 = 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 × 2 = 16 और 3/3, 16/3 से क्या मतलब हो गया, 16/3 को 3 से भाग देंगे तो 3 × 5 = 15, बचा 1 इतने 1/3 घंटे, यहाँ हो जाएगा घंटे, ठीक है। इतने घंटे से स्वेटर, अब इतने घंटे का क्या मतलब हुआ, यानी 5 घंटे, 5 तो पूरा आ रहा है तो 5 घंटे हो गया, और 1/3 घंटे, तो 1/3 घंटे से क्या मतलब हो गया, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 1/3 घंटे में कितने मिनट होंगे, 1/3 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो 60/3, 3 × 6 यानी 20 मिनट हो जाएंगे। यानी हमारे पास में उसे प्रतिदिन कितना घंटा बुनना होगा, 5 पूरा है। तो अतः उत्तर आप अलग से लिखेंगे, उत्तर अतः सुनीता को प्रतिदिन 5 घंटे 20 मिनट, मिनट में आ गया ना, 1/3 को हमने चेंज कर लिया, 5 घंटे 20 मिनट बुनना होगा। ये हो गया आंसर आपका, समझ में आ गया ना बच्चों कैसे हल किया है। अब बच्चों चौथा क्वेश्चन है, 6 मजदूर 1 कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, तो 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे। कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, जिस तरीके से बताया गया है सेम आपको उसी तरीके से करना है। और ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, इसे करिएगा, निश्चित रूप से आपसे ये बन जाएगा। जो विधि जो है आप लोगों को बताई गई है बिल्कुल उसी तरीके से हल करिएगा। आइए बढ़ते हैं, इसी तरीके का जस्ट चौथे नंबर के जैसा ही ये पाँचवा है, उसको भी देख लेते हैं कैसे इसको हल करेंगे। 45 आदमी 1 काम को 27 दिन में पूरा करते हैं, यदि 81 आदमी उसी काम में लगाए जाएं तो कितने दिन में पूरा करेंगे। यही चीज़ लिखी हुई है जैसे ये, बस अंकों का हेर फेर कर दिया गया है। यहाँ पर भी 6 मजदूर थे, इसमें 45 दिया है, 7 की जगह 27 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 21 किया गया है यानी बढ़ाए गए हैं मजदूर, यहाँ पर भी मजदूरों को बढ़ा दिया गया है। तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो काम तो निश्चित रूप से है, जब मजदूर बढ़ गए हैं तो जल्दी पूरा हो जाएगा, तो दिन क्या होंगे, कम लगेंगे। देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे बच्चों, आइए।
तो बच्चों सबसे पहले जो पूछा गया है उसे हमें क्या मानना है, यक्ष मानना है। पूछा गया है 81 आदमी उसी काम में लगाए जाए तो कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आप मान लीजिएगा कि माना 81 आदमी उसी काम को यक्ष दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अब यक्ष दिन में पूरा करेंगे ये हम लोगों ने मान लिया है, तो अब हमें क्या लिखना है, दिन दिए हुए हैं और आदमी दिए हुए हैं कि कितने दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा दिन, यहाँ हो गया आदमी, ठीक है। अब यहाँ पर दिन जो दिए हुए हैं तो 27 दिन में किसी कितने आदमी हैं, 45, और फिर इसके बाद में क्या है कि 81 जो है आदमी है और दिनों की संख्या जो है वो हमने यक्ष मानी है, तो यक्ष मान ली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, इसी तरीके से करना है, नीचे से ऊपर का निशान लगाना है। ये प्रतिलोम समानुपात है तो क्या लिखेंगे, 27 अनुपाते यक्ष समानुपाते क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर यानी 81। ये यहाँ पे चार बिंदी हैं बच्चों, ये समानुपात का निशान है, ठीक है। ये 81 अनुपाते 45। अंत पदों का गुणनफल जो है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। तो यही करना है आपको। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर ये से इसके बाद नीचे लिखिएगा आप लोग, 27 गुणे 45। अंत पद ये वाले है ना, 27 का गुणा 45 से होगा, ये मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, यक्ष गुणे 81। तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यक्ष बराबर हो जाएगा 27 गुणे 45 बटे 81, ठीक है। तो 9 से कट जाएगा, 9 9 81 हो गया, 9 5 45 हो गया, फिर 9 का 1 9 9 3 27 5 3 15, ठीक है। तो 15 दिन आ गए हमारे पास में। तो पूछा है ना, माना 81 आदमी उसी काम को यक्ष दिन में पूरा करते हैं, तो यक्ष की जगह क्या आ गया, 15 दिन में। तो उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा, 15 दिन आ गए, ठीक है। तो उत्तर आपका आ जाएगा, अतः 81 आदमी उसी काम को 15 दिन में पूरा करेंगे, ठीक। ये आपका उत्तर हो गया। आपको प्रश्नों को हल करना समझ में ही आ गया होगा बच्चों कि कैसे हमें हल करना है। जो प्रतिलोम समानुपात है उसमें जो है तीर का निशान हमें एक बार ऊपर की तरफ लगाना है, अपोजिट लगाना है। अनुलोम समानुपात जब हम लोगों ने किया था तो तीर का निशान दोनों नीचे की तरफ ही था, प्रतिलोम में उल्टा है निशान, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं, और इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हल करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, और बच्चों मेरा पढ़ाना अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को, और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए क्योंकि यह एकदम फ्री है। धन्यवाद बच्चों।